यार 1 अप्रैल तो सही दिख रहा है 2022, लेकिन एक टाइमिया पे मेरे को डाउट हो रहा है। टाइम बताओगे क्या आप लोग, कितना हो रहा है? कितना? 10:40। ऐसे ही मैं एक बार अपने सर से पूछ रहा था कुछ चीज़ें, 3-4-5 घंटा कंटिन्यू पूछता रहा सर, इधर का टाइम देख के कंफ्यूज होते रहे। आखिरी में पता चल गया उनको कि मेरे को भी मालूम नहीं था जो है कि टाइम जो है गलत है। आखिरी में वो कह रहे ना 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 अब मैं जा रहा हूँ, 4 बज गया था तब तक, तो उनको भी भ्रम था कि 3 बज रहा है। दूसरे दिन सर आए तो यार तुम मेरा कल तबीयत खराब करा दिए। चलिए जी, हो गया 10:41। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे जी, बताएंगे आप लोग? कर देते हैं ओके। कल हमने थोड़ा सा एरे देखा था, एरे मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया था बेसिक रूप से, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे तो बताया नहीं था, और लूप बताया था आप लोग को। ठीक है, तो उस लूप और एरे का इस्तेमाल कहाँ होगा जी? चेकबॉक्स के बाद। मैंने क्या बोला था आपको कि मैं लिस्ट बॉक्स बताऊंगा। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स थोड़ा सा देखते हैं जी हम लोग क्या होता है। तो चेकबॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है आपको मालूम? बताया था मैं आप लोग को, देखिए मतलब ये है ना कि चेकबॉक्स जो है, आपके पास मान लीजिए कई सारा ऑप्शन है, ठीक है, और सामने वाले वाला को एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करने का आपको प्रोवाइड करना है तरीके। ठीक है, जैसे कुछ 8-10 सब्जेक्ट आपने रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 8-10 सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो और अब मुझे उसमें चॉइस करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा आप कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो चेकबॉक्स के माध्यम से मैं सेलेक्ट कर लूँगा ना। लेकिन मान लीजिए 2-3 ठो है तो चेकबॉक्स काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 10 ठो कोर्सेस है, 12 है 15 है, तब हम कितने चेक बॉक्सेस बनाएंगे, ये मज़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। ठीक है, लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम कर लेते हैं इसके लिए। जैसे रेडियो बटन के केस में आपने देखा था कि रेडियो बटन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 हैं या 3 हैं मान लीजिए, तब तो आप लगा लेंगे कंडीशंस वगैरह और ले लेंगे रेडियो बटन का, लेकिन 10 ठो ऑप्शन है तो 10 रेडियो बटन बनाएंगे, ये सही नहीं होगा तरीका। ठीक है, तो रेडियो बटन के जगह पे हम कॉमो बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, ठीक उसी तरह से चेकबॉक्स के जगह पे हम लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अंतर क्या है लिस्ट बॉक्स और नहीं चेकबॉक्स और रेडियो बटन में? रेडियो बटन में सिर्फ एक ही ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेकबॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर है? कॉम्बो बॉक्स में कितना भी वैल्यू हम देंगे कोई दिक्कत हमें नहीं है, और बड़े आसानी से उसका वैल्यू गेट कर सकते हैं एक तो सेलेक्ट करके। ठीक है, वैसे ही लिस्ट बॉक्स में हम कितना भी ऑप्शन दे सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, और हम वैल्यू सबका गेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यही है जो है थ्योरी थोड़ा सा, बाकी मैं आपको जी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जी आप, नहीं पूछना है ये है आपका लिस्ट बॉक्स। ठीक, एक तो मैं बटन ले लेता हूँ अभी, जरूरत तो ऐसे ज़्यादा बटन का पड़ेगा लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग मैं काम करने में यकीन रखता हूँ जी। ठीक है,
चलिए 8-10 ठो मैं बटन भी बना लेता हूँ ऐसे। ऐसे इस बटन का मैं टेक्स्ट बदल के क्या कर दिया जी, ऐड, ठीक है, और इसका नाम भी मैं बदल के लिख देता हूं ऐड आइटम, ठीक है, आइटम, ठीक है, इसका नाम रख दिया ऐड आइटम। इस पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, और इस पे भी मैं क्या करूंगा, नाम बदल दूंगा। इसका नाम क्या बदल दूं, रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, अच्छा रिमूव सिर्फ लिखता हूं, नाम तो बदल दिया, टेक्स्ट भी बदल देता हूं रिमूव, ठीक। इस बटन का भी मैं नाम क्या करूंगा जी, बदल दूंगा, अभी टेक्स्ट बदल लेता हूं, क्या कर दूं जी इसका नाम, CONT, काउंट कर देता हूं इसको, ठीक है। अब इसका नाम इधर से मैं बदल देता हूं, CONT, इसका मैं क्या लिख दूं नाम जी, SORT, शॉर्ट वगैरह का, चलिए मन करेगा तो हम लोग शॉर्ट भी कर लेंगे, ठीक है, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, शॉर्ट, एड, रिमूव, सॉर्ट, काउंट, वेट, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा मेरे को, ये इसमें लिख देता हूं मैं सिलेक्टेड इंडेक्स, सेलेक्ट कहां गया, सेलेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू, ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट, वैल्यू का स्पेलिंग गलत है यार, वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बटन वन, इसके ऊपर क्या काम करना है थोड़ी देर में हम सोचेंगे, ठीक है जी। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, इतना क्लियर है सबको, पीछे आप लोग को इतना समझ में आ रहा है। तो फॉर्म जैसे लोड हो, ठीक है, ऑन किया, क्या ऑन किया, चलिए जी, जैसे ही फॉर्म लोड हो तो कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में आ जाए, ठीक है। तो कैसे आएगा जी, फॉर्म पे मैं कर देता हूँ डबल क्लिक, ठीक, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट बॉक्स का क्या नाम है, लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स वन, ठीक। इस पे क्लिक किया मैं और प्रॉपर्टी में देखिए नाम मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिस्ट बॉक्स वन यहाँ पे नाम है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट आ गया, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड सब रूटीन या फंक्शन आप कह लो, कॉल कर लेते हैं, है तो ये सब रूटीन ही, ठीक है जी, हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हम डाल देंगे जी, HTML सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे कुछ, ठीक है, और कंट्रोल एस करके इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए आ गया ना यहाँ पे आ गया। तो जिस तरह से कॉम्बो बॉक्स में डेटा आप लोग ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वैसे ही सेम काम यहाँ होगा, बस क्या होगा, नाम बदल जाएगा लिस्ट बॉक्स की जगह पे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, बाकी सेम काम होगा, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। तो मैं 3-4 सब्जेक्ट में ऐड कर दूंगा जी यहाँ से, ठीक है, SQL लिख देता हूँ यहाँ पे, और SQL के बाद क्या लिख दूँ, विजुअल बेसिक, फिर यहाँ पे क्या लिख दूँ, जावा, C# लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे वैल्यू जो है आ गए हैं यहाँ पे, आ गया यहाँ पे ना इतना सारा वैल्यू, चलिए जी। लेकिन मैं डायनामिकली ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड करूँगा, ये मुझे आप लोग बताइए,
बताएंगे नहीं बताएंगे? एक तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ रन, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिख करके ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो लिस्ट बॉक्स में जो है डेटा ऐड हो जाना चाहिए। तो कैसे ऐड होगा आप लोग बताएंगे? नहीं बताओगे? बताओगे? बहुत आसान सा चीज है। हाँ हाँ अच्छा जी, ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड होना चाहिए। तो ऐड बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक। और जो आपने कहा मैं वही काम करता हूँ। आ जाता हूँ नीचे और बस सी शार्प के जगह पे क्या लिख दूंगा बता? टेक्स्ट बॉक्स डॉट कौन सा प्रॉपर्टी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ही डेटा राइट होता है और वो उठ करके कहाँ चला जाएगा? लिस्ट बॉक्स में, ठीक। तो इतना इतना चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? चलिए जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन हम लिख दिया यार, फिर से गलत लिख दिया। क्यों मैं गलत लिख रहा हूँ? फिर से गलत लिख दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। हो गया है ना? ये देखिए जी, ऐड हो गया। फिर से 8-10 बार ऐड किया तो 8-10 बार ऐड हो गया जी। देखिए हो गया ना ऐड, हो गया। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर लिया करेंगे। ये है रिमूव बटन। अब रिमूव बटन पे कैसे कोड लिखेंगे जी हम? बड़ा आसान काम है। जैसे हमने क्या करा था कॉम्बो बॉक्स के लिए ऐड डिलीट का काम करा था, सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। रिमूव बटन पे क्या करूँगा मैं? डबल क्लिक, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा है वो इस लिस्ट बॉक्स में से डिलीट हो जाए। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है? टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक। चलिए जी, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। रिमूव एट मेथड क्या करता है कॉम्बो बॉक्स में, आपको मैं बताया था, आप लोग बताइए जी। रिमूव एड मेथड क्या करेगा? रिमूव एड मेथड को इंडेक्स दिया जाता है, राइट। और रिमूव मेथड को वैल्यू दिया जाता है, कोई भी शब्द दिया जाता है। मैं वही करता हूँ, रिमूव में आया और टेक्स्ट बॉक्स जो है 2 का टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं दे दिया, ठीक है। चलिए जी, हो गया। आता हूं मैं यहां पे, अब रिमूव के लिए काम करते हैं। यहां पे मैंने ऐड करता हूं, क्या ऐड कर दूं जी? आप लोग कुछ सब्जेक्ट का नाम भी बताइए। सी प्लस 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 प्लस, इतना सारा प्लस कर दिया हमने, ठीक है। चलिए ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं इसी सी प्लस प्लस को क्या चाह रहा हूँ कि रिमूव कर दूँ, तो इस सी प्लस प्लस को यहाँ पे पेस्ट करके कर दिया रिमूव, तो यहाँ से गायब हो गया ना। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा जी, एच टी एम ए लिखूँगा और इस पर कर दूंगा रिमूव, तो गायब हो गया ना। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर करने के लिए हमको क्या कर देना चाहिए जी? कुछ भी कर लो, क्लियर मेथड कॉल कर दो, या फिर क्या करो, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में खाली स्ट्रिंग डाल दो। तो खाली स्ट्रिंग भी डाल दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर मेथड चला दोगे तो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, माने डिलीट हो जाएगा जी। चलिए यहां पे आते हैं, ऐड में करा, ऐड हो गया, डिलीट हो गया ना यहां से भी। अब रिमूव में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया ना। अब रिक्वायरमेंट थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलते हैं। गरिमा आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पीछे और बाकियों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? आपका क्या नाम? मनोज। समझ में आ रहा है आपको?
आ रहा है, सच में आ रहा है ना। चलिए जब आप कह रहे हैं तो हम मान जा रहे हैं। चलिए वंशराज, समझ में आ रहा है? पक्का? आर यू श्योर? चलिए जी, जब आ रहा है समझ में तो। गुलशन, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, क्लियर अपने आप हो जाए। अपने आप क्या क्लियर होना चाहिए? अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स में जो लिख रहे हैं, डेटा ऐड या रिमूव होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स अपने क्लियर हो जाए, ये आप कहना चाह रही हैं? चलिए जी, ठीक है, जब आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ठीक है, अच्छी बात है, तेजस्वी लोग हैं सब, ज्ञानी लोग हैं, क्यों? ठीक है जी, लेकिन मैं अब क्या चाह रहा हूँ ना, रन करता हूँ प्रोग्राम, इस लिस्ट बॉक्स में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें मैं उसी डेटा को लिख के रिमूव बटन पे क्लिक करके रिमूव करूँ, मज़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। मैं ये चाहने लगा हूँ अब, ठीक है, कि लिस्ट बॉक्स में डेटा सेलेक्ट करूँ और अपने आप रिमूव होना होने लगे। ठीक, मैं क्या चाह रहा हूँ कि लिस्ट बॉक्स में मैं डेटा सेलेक्ट करूँ और रिमूव होने लगे। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स में कौन सा आइटम सिलेक्टेड है उसको हमको पता करना पड़ेगा पहले। आप लोग समझ रहे हैं ना? चलिए जी, तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ पहले, ठीक है, मेरे को डेटा दिखाना है तो इसके लिए मैंने लेबल ले लिया। इस लेबल का नाम है लेबल वन, यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिमूव पे क्लिक करूँ तो जो लिस्ट बॉक्स में सिलेक्टेड है वो डेटा यहाँ पे इस लेबल में दिखाई देने लगे। अभी मैं ये चाहता हूँ, ठीक, क्या चाहता हूँ, रिमूव बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो लिस्ट बॉक्स में जो भी डेटा है, ठीक, वो डेटा जो है यहाँ पे क्या हो जाए, क्या हो जाए, सत्य कहा आपने। चलिए जी, डबल क्लिक करता हूँ तो इन सबको मैं हटा दूंगा ऐसे, और आइटम्स की जगह पे मैं क्या कर लूँगा जी, सेलेक्टेड आइटम कर लूँगा, ठीक। सेलेक्टेड आइटम मैंने कर लिया जी, कर दिया एंटर। लेकिन सेलेक्टेड आइटम तो, लेकिन क्या करें सेलेक्टेड आइटम का, तो क्या करेंगे हम, लेबल में दिखा देंगे जी, ठीक, लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक, बस काम हो गया अपना, हो गया ना, कितना खुशी का बात है। सेलेक्ट किया जावा, रिमूव पे क्लिक किया, आ गया इसमें, फिर सेलेक्ट किया सी शार्प, रिमूव पे किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर इसी लाइन को मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, आप लोग बताओगे? ऐसे दिखा दूंगा, ये देखिए अब टेक्स्ट बॉक्स में भी दिख जाएगा, लेबल में भी दिख जाएगा, ठीक। ये देखिए, सी शार्प पे क्लिक करा, रिमूव पे क्लिक करा, अपने आप भरा गया, इन दोनों में भरा गया ना। तो इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और रिमूव पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या हो, इस लिस्ट बॉक्स में से डेटा डिलीट हो जाए, राइट। चलिए जी, मैं यही करता हूँ, हटा दिया, हटा दिया। तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम का मतलब क्या है, जो आइटम हम सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू, इसका मतलब यही है, आप लोग समझ गए? चलिए जी, हम इसको क्या करेंगे, डिम, मैं वेरिएबल बना के कर रहा हूँ पहले, फिर डायरेक्टली कर दूंगा बिना वेरिएबल बनाए। वेरिएबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा, ठीक। ये देखिए, ऐसे कर लिया, इसका वैल्यू डाला कोर्स में, ठीक। और अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्या था, रिमूव कैसे किया जाता है, मैं भूल गया जी, बताइए आप लोग। आइटम्स डॉट रिमूव वैसे किया जाता है क्या, ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, कैसे होगा, मैं भूल गया जी,
चलिए कोड सही होगा तो काम कर ही जाएगा। रिमूव पे मैंने क्लिक किया, खत्म हो गया ना जावा, फिर सी शार्प पे क्लिक करके रिमूव किया तो रिमूव हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कोर्स को सिलेक्ट करके कोर्स नाम के वेरिएबल में रखा, फिर लिस्ट बॉक्स में मैंने क्या करा, रिमूव मेथड चलाया आइटम्स पे, और फिर रिमूव को क्या दे दिया मैं, कोर्स दे दिया। ठीक, ऐसे मैंने क्या कर लिया, रिमूव। ठीक, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, मैंने क्या कोड लिखा, क्या काम किया, समझ में आया आपको? क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया? सबसे पहले इस लाइन का मतलब है लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, ठीक, उसको डाल दिया मैं कोर्स में। ठीक, और फिर इस कोर्स में अब क्या आ गया है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जावा, ठीक, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जावा और रिमूव पे क्लिक करता हूँ मान लीजिए, तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक, सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे हुआ, ठीक है, और फिर इसी आइटम को मैं कोर्स में रख लिया, तो इस कोर्स में अब क्या आ गया है, जावा आ गया ना, जावा में सेलेक्ट किया था वहां पे, तो यहाँ पे जावा आ गया। अब क्या होगा, इस कोर्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जावा। ठीक, तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, इसको क्या मिलेगा, यहाँ से जावा मिल जाएगा, तो जावा को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मैंने क्लिक कर दिया, गायब हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं आया, कुछ बताओगे नहीं बताओगे, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जरा हाथ खड़ा करो, आपको समझ में नहीं आया। आपको इन दोनों में से कौन सा चीज नहीं समझ में आया, ये दो लाइन में ही कंफ्यूजन है ना आपको, तो इन दोनों लाइनों में कौन सा नहीं समझ में आया आपको, इन दोनों लाइनों में से कोई लाइन नहीं समझ में आया, कोई नहीं लाइन नहीं समझ में आया, ये लाइन क्यों लिखा है, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये भी नहीं आया समझ में, ये भी नहीं आया समझ में, ये भी आपको समझ में नहीं आया। ठीक, ये लाइन किस किस को समझ में आया, ये जो डीम कोर्स लिखा हूं, या ये भी नहीं समझ में आया, आ गया ना समझ में, वेरिएबल, ठीक ठीक वेरिएबल बनाए, आपको समझ में नहीं आया लाइन, राइट, आप कंटिन्यूअसली क्लास नहीं आए हैं, मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूँ तो ये कोर्स नाम का ये वेरिएबल बना है, ठीक है, और वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, कोई भी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है, बहुत डेप्थ में ना जाके बताऊँ तो, कोई भी डेटा को स्टोर करके थोड़े देर रखने के लिए इसलिए बनाते हैं ना, इसलिए बनाएंगे। ये लिस्ट बॉक्स क्या है, ये लिस्ट बॉक्स इस कंट्रोल का नाम है, ठीक, जैसे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपको नाम से बुला लूँगा तो आप आ जाएंगे, राइट, ठीक है, चलिए। फिर लिस्ट बॉक्स के बाद मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद यहाँ पे लिख दिया सेलेक्टेड आइटम, इस सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी को मैंने एक्सेस किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट बॉक्स में जो आइटम माने जो कोर्स सेलेक्टेड है वो डेटा, इसका मतलब क्या है, सिलेक्टेड आइटम का मतलब ये है कि इस लिस्ट बॉक्स में जो सेलेक्टेड है वो, ठीक, तो यहाँ अभी क्या सेलेक्टेड है, एसक्यूएल, तो सिलेक्टेड आइटम का मतलब है एसक्यूएल, ठीक, लिस्ट बॉक्स डॉट एसक्यूएल आ गया, तो अब इतने कोड का मतलब क्या हो गया, एसक्यूएल, ठीक, अब इसको मैंने क्या करा, इक्वल टू का साइन दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया कोर्स, डीम कोर्स, मतलब यहाँ पे जो एसक्यूएल आया है वो चला जाए किस में, कोर्स नाम के वेरिएबल में, ठीक, और अब क्या मैं कर रहा हूँ, ये लिस्ट बॉक्स का नाम है ये लिस्ट बॉक्स, ठीक, फिर ये है आइटम, ठीक, आइटम्स माने क्या, जावा, सी, सी शार्प, विजुअल बेसिक एसक्यूएल, एचटीएमएल, ये सब है आइटम, ठीक, ये सब है आइटम्स, ठीक, तो आइटम्स में डॉट रिमूव फंक्शन चलाया मैं, मतलब इस रिमूव फंक्शन का क्या मतलब है कि इस लिस्ट बॉक्स के आइटम में से रिमूव करो, ठीक,
लेकिन रिमूव क्या करें बताना तो हमको पड़ेगा ना। तो रिमूव क्या करें, तो यहाँ पे जो कोर्स सेलेक्टेड है उस कोर्स को मैंने दे दिया इसको और बोल दिया कि इस कोर्स को रिमूव करो कोष्टक में। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया? पीछे कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा मनुष्य जिसको समझ में ना आया हो? क्यों, आपको समझ में आया? सामने समझ में आया आपको? आप प्रैक्टिकल करके दो चार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको ये चीज? चलिए जी, जब ये चीज आपको क्लियर है तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको सीधा मैं क्या करूंगा यहीं पे लिख दूंगा। ये दूसरा तरीका है जी, ठीक है। बेशक आप पहले तरीके का इस्तेमाल कर लो, ऐसे भी लिख देंगे तो क्या नहीं काम होगा? हो जाएगा जी, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं पहले नहीं बताया। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक मारा रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्लिक मारा रिमूव कर दिया, हो गया ना। पहले वाला तरीका सही है? तो पहले वाला तरीका इसलिए सही है कि आपको समझने में बहुत आसान है वो, ठीक है, इसलिए मैं पहले वो उसको लिखा भी था। क्या चीज? इसलिए मैं लिखा ताकि ये शॉर्टकट भी आपको मालूम है, ये थोड़ा आसान है, मेमोरी कंजप्शन कम होगा, कम मेमोरी हम यूज करेंगे रैम का। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट बॉक्स से आइटम्स डॉट रिमूव मेथड कॉल करा। अब रिमूव मेथड को क्या चाहिए, कोर्स ही चाहिए ना, तो कोर्स कहाँ से आएगा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम से। ठीक, सिलेक्टेड आइटम को पहले हम किसी वेरिएबल में पहले क्या करते थे, रखते थे, फिर उस वेरिएबल को रिमूव मेथड को देते थे, लेकिन हम अभी क्या किए हैं, हम सीधा दे दिए लिस्ट बॉक्स का सिलेक्टेड आइटम को रिमूव फंक्शन को, रिमूव मेथड को, राइट, सीधा दे दिए ना हम लोग अभी, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी लोगों को? आगे चले, काउंट पे मैं क्लिक करता हूं जी, और यहां पे क्या करता हूं, लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट कर दूं जी। ये लो जी, काउंट हो गया। ठीक है, काउंट करके कहां दिखाना है, मैं मैसेज बॉक्स में दिखाता हूं, लेबल सेबल नहीं लाना चाह रहा हूं मैं। ये लीजिए जी, हो गया। मैंने यहां पे लिया काउंट, पांच ठो बता दिया, क्यों, एक दो तीन चार पांच, पांच आइटम थे, पांच ठो बता दिया। कॉम्बो बॉक्स में जैसे इस्तेमाल आपने किया था ना, वैसे इस्तेमाल इसमें भी हो जाएगा। सॉर्ट का बारी आया, सॉर्ट में हम क्या कर देंगे जी, बड़ा आसान काम है, डबल क्लिक मारे सॉर्ट किए थे ना आप लोग कॉम्बो बॉक्स में, सेम मैं चाहता तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का एग्जाम्पल लेता और सीधा कॉम्बो बॉक्स के जगह पे रीनेम करके लिस्ट बॉक्स वन कर देता, तो सीधा आ जाता आइटम्स डॉट, लेकिन मैं कौन सा सॉर्ट मेथड था ना, सॉर्टेड इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ जी, हो जाओ सॉर्ट। ठीक है, तो अब सॉर्ट होना होगा तो हो ही जाएगा, सॉर्ट कर दो, ये देखिए सब सॉर्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे आप कर लेंगे ना सॉर्ट, बड़ा आसान काम है जी। ठीक है, अब है सिलेक्टेड वैल्यू, तो सिलेक्टेड वैल्यू में कोड कैसे लिखा जाएगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। सिलेक्टेड वैल्यू में क्या होना चाहिए, जैसे ही सिलेक्टेड वैल्यू पे क्लिक करें तो जो इसमें सिलेक्टेड हो वो इस लेबल में दिख जाना चाहिए, यही ना, क्यों, चलिए जी यही हमको करना है जी, तो हम यही क्या करेंगे, कर देंगे। चलिए, वन डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लिया मैं, फिर क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, ले लीजिए जी, आ गया। सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड वैल्यू पे क्लिक कर दिए, जावा आ गया, इस पे करके इस पे कर दिए तो सी शार्प आ गया। एक ठो बटन यहाँ पे बच गया, बटन वन, इस बटन को क्या करेंगे जी, इसका नाम बदल देंगे पहले, क्या नाम बदल के कर देंगे, क्लियर। ठीक, सी एल ई आर, क्लियर कर दिया। ठीक है, इसका टेक्स्ट तो बदल गया लेकिन इसका अब नाम बदलना है, तो मैं क्या करूंगा,
नाम में भी मैं क्लियर ही लिख दिया, क्लियर नेम लिख दिया मैं इसका। इस पे आया, इसको क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए जितना भी लिस्ट बॉक्स में है। आइटम डॉट क्लियर आ गया जी, क्लियर ले लीजिए, क्लिक कर दिया क्लियर, ओम नमः शिवाय हो गया जी, सब गायब हो गया। ठीक, एक ठो मूवी आपने देखा है क्या, साउथ का है, कोई विलन है जब किसी को टपकाना रहता है तो क्या बोलता है, ओम नमः शिवाय कर दो। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें थे ठीक है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें डिस्प्ले मेंबर होता है, सो मेंबर, डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर, सिलेक्टेड आइटम्स तो बता ही दिया आपको, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होता है, बाकी चीज़ें जो है कुछ चीज़ें वो डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे तो सीख लेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत उस तरह का पड़ेगा तो डेटाबेस के साथ हम लोग काम करके इस पर सीख लेंगे। ठीक है जी, अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग कुछ उस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ लीजिए आप, और कोई प्रश्न आपके मन में ना हो तो बना लीजिए। ठीक है, और नहीं बनता तो समझ जाइए कि पढ़ने में आपका ध्यान तो है लेकिन थोड़ा कम है। तो बताइए जी, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न है, नहीं आएगा है, कुछ नहीं बोलोगे, हाँ बोलो। अरे यहाँ कोई फांसी सूली तो नहीं दिया जा रहा है जी, फांसी सूली तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है ना, कि आप बोलेंगे कुछ गलती वाला बोला गया तो नाराज हो जाएगा सामने वाला, चढ़ा देगा फांसी पे, लटका दो फांसी पे इसको, क्यों? तो बोलिए, कोई आपको दिक्कत इसमें, कोई प्रश्न। अच्छा, कोम्बो बॉक्स का प्रैक्टिस कितने लोगों ने किया, हाथ खड़ा करिए ईमानदारी के साथ लेके, कोम्बो बॉक्स का प्रैक्टिस कितने लोगों ने किया, आपने करा था कोम्बो बॉक्स का प्रैक्टिस, नहीं किया था, कितने लोगों ने किया था मैं ये पूछ रहा हूँ, कि आपने नहीं किया, चलिए पीछे आप सभी लोगों ने कोम्बो बॉक्स का प्रैक्टिस करा, नहीं करा, हाँ इसीलिए कोई मन में प्रश्न नहीं है, अगर प्रैक्टिस किया होता तो जरूर पूछा होता। चलिए जी, हम ही पूछ लेते हैं, अभी तक जो भी हमने काम करा, ये सारा काम तो कॉम्बो बॉक्स में भी हम करते ही थे, ये सारा काम नहीं करते थे कॉम्बो बॉक्स में, करते थे ना, तो ये कॉम्बो बॉक्स पढ़ ही लिए थे, लिस्ट बॉक्स के लिए इतना क्यों गला फाड़ना, इतना क्यों समय बर्बाद करना, क्यों लिस्ट बॉक्स का मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, क्यों नहीं करना चाहिए था ना। हाँ क्या कह रहे हैं आप, आप ये कहना चाह रही हैं कि इस लिस्ट बॉक्स का नाम कुछ है, ठीक, जैसे इस लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स वन। ठीक, तो यहां पे मैं क्या नाम चेंज करके CORUAC लिस्ट कोर्स कर सकता हूं, लिस्ट कोर्स ऐसा, यही पूछ रहे हैं आप। हाँ, सभी कंट्रोल का नाम बदल सकता है, कॉम्बो बॉक्स से क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम बदल सकता है, लेकिन मैं नाम नहीं बदलता, ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन नाम बदलना चाहिए, नाम उसके कार्य के अनुरूप होना चाहिए। ठीक, जैसे ये लिस्ट बॉक्स किस चीज़ का है, कोर्स का लिस्ट है ना, तो मैंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, लिस्ट कोर्स, या फिर कोर्स ऑफ लिस्ट, या फिर लिस्ट ऑफ कोर्स, जो मर्जी है लिख लो यार। ठीक, तो हम लिस्ट बॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले मैंने क्या बताया, जैसे चेकबॉक्स में मल्टीपल वैल्यू ले सकते थे वैसे ही क्या इसमें भी क्या करेंगे, ले लेंगे जी मल्टीपल वैल्यू। कैसे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सेलेक्टेड करना पड़ेगा, सिलेक्शन का फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया,
एसक्यूएल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में, ठीक है, दिस पीसी में मैंने आ गया, यहाँ पे खोल लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिए मैं व्यूज़ में आके पहले तो हाइड कर देता हूँ जो आइटम हाइड है, ठीक है। मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक करा, फिर कंट्रोल दबाया, यूजर पे क्लिक कर दिया, यूजर भी सेलेक्ट हो गया, प्रोग्राम फाइल पे क्लिक किया तो ये भी सेलेक्ट हो गया, हो गया ना, ठीक। तो इसी तरह से मैं लिस्ट बॉक्स में भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या फिर न्यू फोल्डर में क्लिक करा और शिफ्ट दबाया और प्रोग्राम ब्रैकेट में जो है x86 उसको मैं क्लिक करा तो ये सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक। ये फीचर मैं देना चाहता हूँ किसको, इस लिस्ट बॉक्स को। तो कैसे दूंगा जी, बहुत आसान, यहाँ पे आइए जी, यहाँ पे जरा पता लगाइए, क्या पता लगाना है, डक प्रॉपर्टी आइटम सोर्स, जैसे कॉम्बो बॉक्स में आप डायनामिक स्टैटिकली लोड करते थे ना डिजाइन टाइम पे, यहाँ से एडिट बॉक्स एडिट आइटम में जाके, वैसे यहाँ भी एडिट आइटम में जाके आप कर सकते हैं काम। इनेबल इसमें कहीं पे दिया होगा, क्या दिया होगा जी, सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सिलेक्शन मोड, यहाँ पे है सिलेक्शन मोड, राइट। यहाँ पे वन दिया हुआ है, मैं कर देता हूँ मल्टी सिंपल, इसका क्या मतलब है आप देखिएगा, यहाँ पे आया, कंट्रोल दबाया, फिर इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हुआ, फिर इसको क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, राइट। चलिए जी, ठीक है, समझ में आ गया आपको, कंट्रोल दबाने से तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि HTML पे क्लिक करूँ और शिफ्ट दबाया मैं अब, और विजुअल बेसिक पे क्लिक करूँ तो SQL भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। या फिर मैं क्या चाहता हूँ, कंट्रोल दबाऊँ, बिना कंट्रोल दबाए या दबा के, ठीक है, HTML पे सिलेक्ट करूं और शिफ्ट दबाऊं, सी शार्प पे क्लिक करूं तो बीच का पूरा सिलेक्ट हो जाए, ठीक। या फिर एक बार सी शार्प पे क्लिक करूं, ड्रैग कर दूं ऊपर तो चला जाए, सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टी में आऊंगा, कर दूंगा मल्टी एक्सटेंडेड, ठीक। तो अब इससे क्या होगा, मैंने कंट्रोल दबा के तो सिलेक्ट कर ही पा रहा हूँ, लेकिन अब क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे आया, शिफ्ट बटन दबाया और कर दिया सी शार्प पे क्लिक तो अपने आप सिलेक्ट हो गया, ये देख लीजिए, ठीक। सी शार्प पे क्लिक, डबल क्लिक करा और ऊपर सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, ऐसे, तो ये देखिए आ गया ना, आ रहा है, ऊपर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो भी सिलेक्ट हो रहा है, देखिए हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जी, हो जाएगा ना सिलेक्ट। चलिए जी, बड़ा आसान काम है, क्यों, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, मल्टीपल, हाँ ये है सिलेक्शन मोड, सेलेक्ट तो होगा कंट्रोल दबाने के बाद ही, ठीक है, बिना कंट्रोल दबाए नहीं होगा, लेकिन पहले था क्या, वन, तो अब मैं कंट्रोल भी दबा के करूँ ना तो भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये देखिए मैं कंट्रोल दबा के वी पे क्लिक किया तो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल तो हमें दबाना ही पड़ेगा, बिना कंट्रोल दबाए तो गुजारा नहीं है, ठीक। जैसे नन पे कर दूंगा तो क्या होगा, आप देख लीजिए जी, मैं क्या अब अपने मुँह से बोलूँ, देख लीजिए नहीं हो रहा है जी, तो यही है, ठीक है। मेरे को क्या पसंद है जी, मल्टी एक्सटेंडेड, मैंने इस पर क्लिक करा और कर दिया ओके, ठीक है। और सुनाइए क्या हाल है, समझ में आ गया सब कुछ, नहीं आया, इस पे क्लिक करा मैं आ गया, फिर क्लिक करा तो जावा आ गया जी, ठीक है, ये तो बहुत नाइंसाफी है जी, विजुअल बेसिक आ रहा है, ये सिर्फ पहला ही सिलेक्शन क्यों आ रहा है भाई, ये थोड़ा सा समस्या हो गया ना,
हो गया ना समस्या, नहीं हुआ।